मैं देख रहा था कि जिस दौरान बातचीत का क्रम टूटा, पर आप लोग नहीं टूटे, आप बैठे रहे। मुझे अच्छा लगा इस बात को देखकर। और मैं उनको भी देख रहा हूँ जो बार बार इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनके कान शायद इस तरफ हैं। ये बालिकाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनके लिए एक छोटी सी कविता, उसका परीक्षण भी हो जाएगा। अक्सर जो सर बात कही तो मैं मुझे मेरी कुछ रचनाएं छप गई पत्र पत्रिकाओं में, तो मैंने अपने आप को बाल साहित्यकार समझ लिया। लेकिन उसको बच्चों ने कैसे लिया, इसका कोई आकलन मेरे पास नहीं है। मैं बड़े माफ़ी के साथ डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनका मतलब हम भी हैं उसमें। उसमें पूरे देश के बाल साहित्यकार व्हाट्सएप ग्रुप है वो, वहाँ वाह वाही का बाल साहित्य, मेरे जनसत्ता में एक लेख भी छपा था, उससे भी बहुत तिल मिलाए लोग। तो वहाँ मैंने जानबूझ के वो कविता पेस्ट की। मैं बच्चों बालिकाओं को सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बालिकाएं हैं। छोटी सी कविता, 4 लाइन की। अजी तमाम उद्देश्य और तमाम सारी नसीहतें वहाँ पर आ गई। वो 4 लाइन की जो कविता है वो क्या थी, जिसके बाद इतना बड़ा मामला वहाँ आ गया और ये कहने लग गए कि बाल साहित्यकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को क्या दे रहे हैं हम। तो बच्चों को क्या दे रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देर से पहुंची मैं स्कूल, देर से पहुंची मैं स्कूल, एकदम चील एकदम कूल। देर से पहुंची मैं स्कूल, एकदम चील एकदम कूल, सर ने मेरा बैग उतारा और दिया चंपा का फूल। कैसी लगी? लेकिन ये बड़ों को अच्छी नहीं लग रही है? बाल साहित्यकारों को, जिनको बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनकी 25-30 किताबें आ चुकी हैं, माफ कीजिएगा मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये अच्छी नहीं। उन्होंने कहा बच्चों के लिए ये रचना है। ऐसी ऐसी तमाम मेरे पास कविताएं हैं जो बच्चों को ने बहुत पसंद की। मैं अभी 4 दिन जो आवासीय कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची हैं, किरोला जी भी थे। हाँ जी, मुझे असल में ये आपका वाक्या पढ़ते हुए मुझे एक चीज़ और याद आई थी। ये कविता तो आज के एक कवि ने लिखी है, सुशील शुक्ल उनका नाम है, और जो नौजवान है, मतलब मेरे साथ चकमक में, मैं चकमक में बड़े हुए एक तरह से जिसको कहना चाहिए, लेकिन एक मुझे कवि का नाम याद नहीं है, इत्तेफाक से आपको याद हो तो बताना। ये पुरानी कविता है, बोलो बेटा राम सहाय इतनी जल्दी कैसे आए, अभी तो दिन के 2 बजे हैं, कहो आजकल बड़े मजे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कविताएं आज ही लिखी जा रही हैं, ये एक हमारे उसमें रही हैं उन, हाँ, और उनको आप स्वीकार करने की बात। तो मेरा सिर्फ इशारा इसमें इसलिए था कि हम लोगों ने, बड़ों ने भी बच्चों के खांचे बना लिए हैं कि बच्चे ये पसंद करेंगे अपने आप। अरे बच्चों तक जाने दीजिए। अभी जब यहाँ पे सर बात कर रहे थे तो यहाँ से एक स्वर मेरे को सुनाई दिया कि बच्चों की पत्रिका ही नहीं है, अभिभावकों को पता ही नहीं है, वाकई में पता नहीं है। ये सवाल और दूसरी बात है कि 40-42 पत्रिकाओं के पते तो मैं दे सकता हूँ आपको, हिंदी में छपने वाली पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं के नाम पर। हाँ, उस पर बात हो सकती है कि उसमें आ क्या रहा है, उस पर छप क्या रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन इतनी सारी पत्रिकाएं हैं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आखिरी बार आपने बच्चों को, चाहे वो अपने घर के बच्चों को, चाहे स्कूल के बच्चों को, चाहे पड़ोस को, पड़ोस के बच्चों को, ये तो याद होगा आपको, शायद ये भी याद नहीं होगा कि कुरकुरे कब दिए थे, चाउमीन कब खिलाया था, चिप्स कब खिलाया था। लेकिन मैं आप जैसे सबसे जानना चाहूँगा, क्या हमको याद है कि हमने आखिरी बार किसी बच्चे को किसी पत्रिका को पढ़ने की तरफ उन्मुख किया हो, या कोई पत्रिका दी हो? एक ललक जगाने की बात है, और वो ललक विज्ञान प्रगति से भी जग सकती है अगर वो घर में रखी है, अगर वो ग्रह शोभा है तो। लेकिन हमने खांचे बना रखे, अरे इसको मत देखना। अगर वो ग्रह शोभा के आवरण पर ग्रह शोभा भी देख लेती है बच्ची या बच्चा, तो पढ़ने की ललक की ओर तो जाएगा। लेकिन हमारे लिए तो यह है कि वो कक्षा की जो किताब है, उसकी एक किताब, एकमात्र किताब, चाहे वो 1 में पढ़ता है 2 में पढ़ता है 3 में पढ़ती है, उसके लिए जो एक किताब है, हम चाहते हैं कि साल भर वो उसको चक्कर लगाए, वो बच्चा, वो बच्ची। और अगर उससे इतर जो उन्होंने भी कह दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं बच्चों एक और कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। अब बताना कि अच्छी, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो एकदम कहना कि नहीं। खीर पकी थी मीठी मीठी, खीर पकी थी मीठी मीठी, सबड़ सबड़ कर खाई, गबड़ गबड़ कर सोए थे सब, पड़े कौन अब भाई। अगर खीर खाली है, अब मैं इसके स्पष्टीकरण में नहीं जाना चाहता। कैसी है? अच्छी। तमाम इसमें भी कह दिया, अभी आप तो पढ़ने से हटा रहे हैं बच्चों को।
बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो क्या तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम जो अच्छी अच्छी तो क्या कहें हम, एक सोच रखने वाली, ये हमारे बाल साहित्यकार कह रहे हैं। वो आज भी वही जो आदर्श, तीव्र आदर्श, तीव्रता के साथ जो आदर्श है राष्ट्रभक्त बनने का, वो बच्चे बनेंगे। आपके आदेश का आंख बूंद कर पालन करेंगे वो बच्चे करेंगे। उनसे आप साहस, पराक्रम, वीरता, वो जो आपने कह दिया, वो सारे आदेश, वो निर्देश, वो संदेश हम चाहते हैं उनसे।